हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू हेरिटेज बायो एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं नेगेटिव स्टेनिंग। तो नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हम लोग का जो मेन केमिकल यूज होता है, जैसे कि रिएजन बता सकते हैं, जो कि है निग्रोसिन, वो मैंने ला दिया है। और जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के, जैसे कि सैम्पल्स, ग्रीस लाइट्स, इनोकुलेशन लूप, पाइपेट, टिप्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सो जैसे आप लोगों को पहले बता देते हैं नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, नेगेटिव स्टेनिंग में यह होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जो ब्राइटर दिखता है, और जो हम लोग जो स्टेन देते हैं उसके कारण क्या होता है ना, उसका बैकग्राउंड वो स्टेन कर लेता है, जिसके कारण उस बैकग्राउंड ब्लैक कलर दिखता है। अभी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं नेगेटिव स्टेनिंग। सो हम लोग को चैनल पर बने रहिए और एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करते रहिए। सो पहले हम क्या करते हैं, हम लोगों ने स्लाइड्स को क्लीन कर चुका है, तो फिर से उसको थोड़ा स्टेलाइज कर लेते हैं बंसन बर्नर से माध्यम से। हम लोग का स्लाइड स्टेराइल हो चुका है फिलहाल, फिर से थोड़ा हल्का सा स्टेराइल कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोग का स्लाइड स्टेराइल हो चुका है। अभी क्या करते हैं, एक स्मॉल ड्रॉप अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं टिप्स के माध्यम से, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने डिस्टिल वाटर ले रखा है, देख अब डिस्टिल वाटर ले रखा है, एक स्मॉल ड्रॉप ही ले गए, ज़्यादा नहीं बनाएंगे उसको, छोटा सा स्मॉल ड्रॉप लेते हैं, स्लाइड के ऊपर भाग में डलवाइए थोड़ा सा, ओके। सो हो गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग का जो इनोकुलेशन लूप है उसके द्वारा सैंपल लेंगे, तो उसको हीट कर लेते हैं तब हॉटेस्ट पास में लेके अच्छे से इसको रेड हट करते हैं, ओके हीट हो चुका है, तो उसको कूल डाउन करवा देते हैं। अभी क्या करें, एक सिंगल कॉलोनी ही लेंगे, स्मियर बनवाते हैं अच्छे से, उसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, भी डिस्टिल वाटर में वो मिक्स हो जाए एक स्मियर जैसा। अच्छे से मिक्स कीजिए इसको, लाइन में डलवाइए, ये भी हो गया हम लोग का स्मियर प्रिपरेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर से इसको स्टेलाइज कर लेते हैं इनोक्लेशन लूप को, अच्छा ही स्टेलाइज कर लीजिए और उसको कूल डाउन कर रख देते हैं। अभी जो ये हम लोग का निग्रोसिन है वो एक रॉ मेटेरियल जैसा होता है, जैसे कि हम लोग अभी ऐसे डाइल्यूशन फॉर्म डाइल्यूट फॉर्म में नहीं है, जिसको हम क्या किए हैं उसको हम डाइल्यूट कर लिए हैं इस एमसीटी में। विल टेक स्मॉल ड्रॉप ऑफ निग्रोसिन एंड अभी इसके ऊपर पुट करते हैं सैंपल के ऊपर, फिर से लूप को स्टेलाइज कर लेते हैं अच्छे से, मिक्स करेंगे सैंपल को निग्रोसिन के साथ। अभी अच्छे से मिक्स कर देते हैं सैंपल को, अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक अच्छा से, अच्छे से इसमें एक बनवाइए, सो दैट ये एक अच्छा सा फिल्म बन सके, ओके। लोग का अभी स्मियर बन चुका है। अभी क्या करना है, जो दूसरा स्लाइड है इसे हम एक स्मियर बनाए, जैसे उसको बोलते हैं सीयर बनाते हैं, इसको पकड़िए ऐसे, तो अच्छे से वो यूनिफॉर्म बने, जो हम लोग का जो फिल्म बनेगा वो यूनिफॉर्म। तो अभी इसको रख देते हैं थोड़ा ड्राई होने के लिए, उसके बाद हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं माइक्रोस्कोप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सो बने रहे हम लोग के चैनल पे और देखते रहे कि रिजल्ट क्या आता है। सो गाइज, ये रहा हम लोग का निग्रोसिन स्टेनिंग का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस रिजल्ट, जो कि आपके सामने है। जो हम लोग निग्रोसिन स्टेन लिए थे, ये क्या क्या है, जो ऑर्गेनिज्म बैकग्राउंड को वो स्टेन किया, जिसके कारण वो ब्लैक दिख रहा है,
और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लाइट कलर दिख रहे हैं, जैसे कि लोग व्हाइट कलर जो दिख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो गाइज ये रहा आज का रिजल्ट जो नेगेटिव स्टेनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स था। सो हम लोग के चैनल पे बने रहिए और नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।